From the start of our lives, because we are human beings, there are certain things our governments must do to help us reach our potential. These expectations and claims we have of our governments are called human rights. Every single man, woman, and child has them. Rights call on governments to respect, avoid putting limits on some things that a person can do, protect, safeguard a person from abuse, fulfill, to provide basic conditions to enable a person to achieve their potential. The most basic minimum human rights standards have been discussed and written down by countries. Countries have agreed to follow them. These have become international law. An example where human rights can be found at home is in the Constitution. Promoting respect for basic rights is one of the main purposes of the United Nations. The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights is responsible for leading the UN's human rights programme. There are also committees of experts that monitor how well countries put their human rights promises into practice. And there is an assembly of countries called the Human Rights Council, which discusses different human rights topics and situations from around the world. आदमी तो पहुँच जाए जला 3 बजे भोर में। अच्छा। अगर सागर मट्टी बनल बात 2 बजे चल रही है रात में ही 2 बजे बात 3 बजे रात में तो फिर कब तक आते हैं? फिर शाम तक 7 बजे। और फिर खाना पीना कैसे? खाना पीना वहाँ भी बन जाला यहाँ भी बन खाना देवे नहीं खाना पैसा कितना मिलता है? 500-600 रुपया। 1000 ईटा पाथेंगे तो 500 रुपया मिलता है। 1000 ईटा पाथेंगे तो 500। और कब से आप लोग ये मतलब दिन भर में कितना पाथ ले लें ईटा? मतलब मट्टी के ऊपर लगभग तो मट्टी अगर कंकड़ा ही मिल जाए तो 800-900 रुपये। 800-900 अगर बढ़िया मट्टी मिली काटा ले हाथे से 1000-1200। कजने मिल के 3-4 जने 4 जने मिल के 1000-1200 ईटा पाथेंगे। जितना लोग भी चाचा आठ महीना चलता है फिर उसके बाद जो किया 4 महीने बरसात में बंद हो जाता है। अच्छा फिर उसके बाद क्या करते हैं आप लोग? फिर अपन अधियत गरिया लेके जान हो खेती कर ले। तो खेती करते होंगे तो मतलब कुछ मिलता है आप लोगों को? परिवार कितना है आपका? परिवार तो इस समय मौके पर 4 जने। हाँ तो यहाँ पे तनख्वाह कितना देती है, कैसे मिलते हैं यहाँ पे? हम लोग डेली टू डेली आप लोग जितना पाते हैं 1000 के पीछे मिलता है। 1000 पे 600 मिलेगा ये तो पता चला, लेकिन 1000 पे 600 आप लोग जैसे ये 1000 ईटा आप लोग बांध देना तो 600 रुपये आपके कम मिली हफ्ते के दिन? हफ्ते में एटे तो हफ्ता में पूछल गए हम लोग उधर तक रहना कि 500 खुराक मिल जाए। नहीं ऐसा ना महीने में कितने 1000 ईटा मतलब तब वो कितना बांध देते हैं
वो जितना तुम आप हजार माने कि हफ्ते में जितना हजार करोगे जा हजार ईटा आपके माने हम लोग के ऊपर है। हाँ वही पूछा थी आप लोग कितना कर दे मैंने करीब आप 5,000 तक कर देते अच्छा 25-30 3,000 रुपया मतलब महीना नहीं हफ्ता हफ्ता दे देवा ना मालिक पैसा। हाँ, मालिक दे दे मालिक अच्छा है मालिक ठीक है। बहुत सही ये के अंदर सभी कास्टों को मिलाकर 2,00,000 की आबादी है। यहाँ पे कोई सरकारी स्कूल नहीं है ना तो इस वहाँ बच्चे के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं है सरकारी हॉस्पिटल नहीं सरकारी कोई प्राइवेट तो तमाम छोटे छोटे डॉक्टर हैं यहाँ पे जो क्षेत्रीय डॉक्टर है उसके बाद यहाँ पर एक ATM भी नहीं है बैंक भी नहीं जो ये प्रधानमंत्री का क्षेत्र ये वाराणसी क्षेत्र प्रधानमंत्री यहाँ से हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं और वो ये कहते हैं कि हम सबको लेकर और विकास कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे स्टेट की जो है गवर्नमेंट का ये काम नहीं है कि इतनी बड़ी आबादी में बच्चों की शिक्षा की बात कर रहे हैं कहाँ पे शिक्षा इसके लिए 35 मदरसे यहाँ पर हैं पूरे बैठिया में जी। लेकिन कहीं पर आपको सरकारी सुविधा किताब कापी ड्रेस खाना ये कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है पूरे बैठिए में आप दौरे करें ये 35 मदरसे कुछ भी और यहाँ पे देख लीजिए हमारे यहाँ 360 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है ना टीचरों को ना बच्चों को तो इसके लिए आप लोगों ने मतलब जैसे कंप्लेन आया हम लोग ने कई बार 2015 में 2016 में प्रेस कॉन्फ्रेंस की सब मीडिया वाले आए जी और जो हमारे यहाँ के जो नेता थे हमारे वहीं से जो सभासद साहब थे उन लोगों को भी हमने अवगत कराया रास्ते का विकास सब देख ही रहे हैं देखा ये बहुत सारी समस्या यहाँ पर इसका मतलब कोई निदान नहीं हुआ कोई